अस्सलामुअलैकुम अजीत अलबतलिबाद, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अल्लाह ताला की हिफ्ज़ो अमान में होंगे। क्लास नाइन्थ, आज हमारे पास बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है, वो क्या है, सिक्योर बिल। उर्दू मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों को डिस्प्ले हो रहा है। आज हम करेंगे सिक्योर बिल, सिक्योर बिल के बारे में जानेंगे ये क्या है और इसका जो इस्तेमाल है वो कहाँ कहाँ हो रहा है। मैं आपको बताता चलूँ, ये जो हमारे पास टॉपिक आ रहा है सिक्योर गेज, सिक्योर गेज एक इंस्ट्रूमेंट है। क्या है इंस्ट्रूमेंट, कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो मेजरमेंट करता है। लास्ट वीडियो में आपने सीखा था वर्नियर कैलिपर क्या होता है, उससे पहले आपने मेजरिंग टेप सीखी थी और मीटर रूल। ये तमाम क्या है, ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। ये मेजर करते हैं डिफरेंट लेंथ, डिफरेंट बॉडीज का जो डायमीटर है वो हम इनकी मदद से क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो आज हमारे पास जो आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है सिक्योर गेज। तो मेरे बच्चे, मैं आपको सिक्योर गेज में बताता चलूँ, इसका जो इस्तेमाल है, ये जो इस्तेमाल होता है, ये आपके डिफरेंट किस्म की जो लेंथ है, मिसाल के तौर पर अगर आपके पास एक वायर है उसका डायमीटर आपने मालूम करना है, तो आप किसकी हेल्प लेंगे, सिक्योर गेज की। ये सिक्योर गेज वर्नियर कैलिपर की नस्बत ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ों की अच्छे से एक्यूरेट पैमाइश करता है। तो चलो फिर सबसे पहले देखते हैं कि सिक्योर गेज होता क्या है। मेरे पास आ रहा है सिक्योर गेज। सिक्योर गेज इज यूज टू मेजर स्मॉल लेंथ, बहुत ही छोटी छोटी लेंथ, एक बहुत ही छोटा सा पॉइंट जो आपका मिलीमीटर से भी छोटा है, उसकी जो पैमाइश है वो क्या करेगा, सिक्योर गेज। इसका लीस्ट स्कोर भी हम देखेंगे कि ये कम से कम कितने रेडियन लेता है वो हम नेक्स्ट देखते हैं। तो ये किसके लिए यूज होता है, स्मॉल लेंथ लेने के लिए यूज होता है। उसके अलावा डायामीटर, अगर कभी भी आपके पास वायर है, चाहे बहुत ही छोटी या बड़ी कह सकते हैं, उसका डायमीटर आप किसकी मदद से लेंगे, सिक्योर गेज की मदद से लेंगे। और थिकनेस ऑफ अ मेटल शीट, आपके उसकी मेटल की शीट है, तो उसकी जो थिकनेस है वो किसकी हेल्प से आप मेजर करेंगे, सिक्योर गेज की मदद से। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हम देखेंगे कि ये जो हमारा सिक्योर गेज है, ये कंस्ट्रक्ट किन किन पार्ट पे हुआ पड़ा है। तो मैं आपको बताता चलूँ, सबसे पहले हमारे पास आएगा, आप यहाँ देख रहे हैं, ये हमारे पास एक यू शेप, यू शेप क्या होता है, यू शेप का एक बना होता है, इसके अंदर लगा क्या हुआ है, एक साइड पे स्ट्रट है, स्ट्रट एक बटन नमा होता है, और दूसरी तरफ एक थिम्बल है। थिम्बल का क्या काम है, थिम्बल के ऊपर आपका एक सर्कुलर स्केल बना हुआ है जिसको आपने रोटेट करना है, पकड़ के एक घुमाना है। और दूसरी तरफ अगर आप यहाँ पे गौर करें, यहाँ पे एक मेन स्केल है जिसे हम इंडेक्स लाइन बोलेंगे। आपका ये जो कंस्ट्रक्शन में आपका ये जो सिक्योर गेज है वो काम कैसे करता है, ये आपके जो थिम्बल है इसको आपने घुमाना है, आपने घुमाते जाना है। जैसे ही आप इसको घुमाते हैं, इसके ऊपर एक और आपको बात बताता चलूँ, इसके ऊपर 100 दर्जे हैं। 100 दर्जे क्या होंगे, वो आपके मिलीमीटर है। और दूसरी तरफ जो आपकी सर्कुलर स्केल के साथ जो आपकी इंडेक्स लाइन है जिसको आप मेन स्केल बोलते हैं, उसके ऊपर भी मिलीमीटर दर्ज है। आपने जैसे ही उसका एक सर्कल पूरा करना है, 100 सर्कल पे वो कंप्लीट होता है, तो वो जो आपका 1 मिलीमीटर का जो फासला तय करता है सिंबल। तो आपने इसकी कंस्ट्रक्शन देखी है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है पिच। सिक्योर गेज की पिच क्या होती है, तो उसकी डेफिनेशन हम करते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन कंजक्टिव थ्रेड ऑन स्पिंडल इज कॉल्ड पिच ऑफ सिक्योर गेज। तो ये आपके पास पिच की डेफिनेशन आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्या होता है, आपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, लीस्ट काउंट किसी भी आले की सबसे कम जो रीडिंग लेने की साहित है वो उसका लीस्ट काउंट कहता है। जैसे कि आपको पता था मीटर रूल का लीस्ट काउंट क्या था, 1 मिलीमीटर, वो सिर्फ 1 मिलीमीटर तक भी मार्च कर सकता था। उसके बाद हमने वर्नियर कैलिपर को देखा, वो आपका क्या था, 0.1 मिलीमीटर, और यहाँ पे ये उससे भी एक्यूरेट हो जाएगा, इसका क्या होगा, 0.01 मिलीमीटर। देखते हैं वो कैसे होता है। यहाँ पे देखें लीस्ट काउंट की डेफिनेशन है हमारे पास, स्मॉलेस्ट मेजरमेंट विच कैन बी टेकन बाय यूजिंग सिक्योर गेज। सिक्योर गेज की मदद से आप जो कम से कम रीडिंग ले सकते हैं, कम से कम पैमाइश कर सकते हैं, वो उसी का लीस्ट काउंट होता है। तो लीस्ट काउंट का जो फार्मूला है वो मेरे पास यूं आता है, पिच ऑफ अ सिक्योर गेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। पिच आपने सीखा है कि पिच क्या होता है, जो कम से कम रीडिंग है किसके ऊपर, मेन स्केल के ऊपर, वो क्या होती है, 1 मिलीमीटर। और अगर एक और बात की जाए, जो डिवाइड हो रहा है वो क्या है, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल के ऊपर कितने दर्जे हैं, कितने दर्जे मेंशन है, 100। तो आप इसको 1 मिलीमीटर को 100 पे डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास कुछ आंसर यूं आएगा, 0.01 मिलीमीटर।
तो ये रहा सिक्यू गेट का लिस्ट काउंट, यानी कि आप इसकी हेल्प से इतनी छोटी मुकदार में आप किसी भी बॉडी की जो लेंथ है वो मेजर कर सकते हैं, उसका डायमीटर मेजर कर सकते हैं। अगर मैं इसको सेंटीमीटर में ले जाऊँ तो आप इसको मजीद 10 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास 0.01 और 0 ऐड हो जाएगा, वो आपका यूनिट किस में चलेगा, सेंटीमीटर। तो आपके सेंटीमीटर में लीस्ट काउंट सिक्यू गेट का आ चुका है। तो आपने इसके लीस्ट काउंट को याद रखना, ये आपके शार्ट के वाले से आएगा, व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ सिक्यू गेट, सिक्यू गेट का लीस्ट काउंट क्या होता है। तो मेरे बच्चे आपने फर्स्ट ऑफ ऑल ये इसका फार्मूला ब्रेन में रखना है और इसका ये जो मैथमेटिकल प्रूफ है ये आपने लिख देना है और आपका ये चार सवाल कवर हो जाएगा। तो ये आपको समझ आ चुका है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं एरर की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी है और समझ आ रही है तो इस वीडियो को लाइक लाजमी कर दें। तो नेक्स्ट मेरे पास क्या आ रहा है, एरर। एरर क्या होते हैं? तो एरर बच्चे, एरर आपने लास्ट टाइम सीखा था, एरर किसी भी आलम में हो सकता है। उसकी जो मतलब कि अगर आपका वो आला ही खराब है, अगर उसके अंदर ही एरर है तो आप ही मैच नहीं कर सकते। आपने चेक करना है क्या जिस आले से, जिस भी इंस्ट्रूमेंट से आप इमेज करने जा रहे हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट है, वो बिल्कुल ठीक काम करता है, तो फिर आपकी जो इमेज है वो भी बिल्कुल ठीक आएगी। तो यहाँ पे हमारे पास एरर क्या हो सकता है, जीरो एरर। जीरो एरर जीरो कब होगा, यानी कि आपका इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल ठीक कब होगा, तो मैं आपको बताता चलूँ डेफिनेशन से। जीरो एरर, जीरो ऑफ अ सर्कुलर स्केल कंसाइड्स विद द जीरो ऑफ इंडेक्स लाइन। अगर आपका जो जीरो है, जो आप उसको घुमा रहे हैं, सिंबल को घुमा रहे हैं, जो आपका सर्कुलर स्केल है, अगर उसका जीरो इंडेक्स लाइन के जीरो के आमने सामने है, बिल्कुल सामने है, तो आपका एरर जीरो है, कोई एरर नहीं है, आपका जो आला है वो बिल्कुल ठीक है। समझ आ गई? आप देख रहे हैं जैसे कि आपको नजर आ रहा है, जो आपका इंडेक्स लाइन का जीरो मिल रहा है, कंसाइड कर रहा है किसके साथ, सर्कुलर स्केल के जीरो के साथ, दोनों जीरो आमने सामने है, जिसकी वजह से आपका जो एरर क्या है, जीरो। तो यहाँ पे आपने जीरो एरर की डेफिनेशन याद रखनी है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है पॉजिटिव जीरो एरर। पॉजिटिव जीरो एरर कब होता है, तो मैं आपको यहाँ से डेफिनेशन से कवर करता हूँ। जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल, जो जीरो होगा सर्कुलर स्केल जिसके जो थिम्बल पे जिसको आप घुमा रहे हैं, लाइक बिहाइंड द इंडेक्स लाइन, अगर वो बिहाइंड मतलब कि पीछे रह जाता है किससे, इंडेक्स लाइन से, अगर आप उसको टाइट करते हैं, टाइट करते करते वो रुक जाता है, वो उससे पीछे रह जाता है, तो वो आपका क्या होगा, पॉजिटिव जीरो एरर। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, अब मैंने इसको फुल टाइट किया, इसको टाइट करने के बाद हमने देखा ये अभी भी पीछे रह चुका है अपना इंडेक्स लाइन से, मेन स्केल का जीरो कितने दर्जे पीछे है, जो भी इसकी लाइन आमने सामने मिल रही है वो है 18 नंबर वाली, तो इसका जो पॉजिटिव एरर क्या है, 18 मिलीमीटर। इसको आप नेक्स्ट लीस्ट काउंट के साथ मल्टीपल करवा के अपने एरर को खत्म करेंगे। तो ये आपको कवर हो चुका है पॉजिटिव जीरो एरर। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट मेरे बच्चे, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है नेगेटिव जीरो एरर। नेगेटिव जीरो एरर क्या होता है, जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल क्रॉसेस, अगर ये क्रॉस कर गया, पॉजिटिव के अंदर क्या रहेगा, बिहाइंड पीछे रह गया, लेकिन अगर आपका जीरो ऑफ द सर्कुलर क्रॉस कर गया इंडेक्स लाइन, अगर आप उसको टाइट कर रहे हैं वो क्या करता है, उसको क्रॉस कर जाता है, क्रॉस आगे की तरफ बढ़ जाता है, तो वो आपका क्या होगा, नेगेटिव जीरो एरर। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, हमने अपना सिक्यू गेज का जो थिम्बल था सर्कुलर स्केल जिसको हमने टाइट किया, वो इंडेक्स लाइन से 5 दर्जे आगे गुजर चुकी है, 5 मिलीमीटर का फासला आगे तय कर चुकी है। ये जो 5 का फर्क है आपको, ये नेगेटिव जीरो एरर होगा। इसको हम नेक्स्ट अपने लीस्ट काउंट से मल्टीपल करके आपका ये एरर दुरुस्त करेंगे। यही मेरे बच्चे आपके पास मेन डेफिनेशन थी। यहाँ पे सवाल कैसे आ सकता है, लॉन्ग सवाल में बहुत अहम है, सिक्यू गेट क्या होता है आप उसकी डेफिनेशन करेंगे, उसके बाद कंस्ट्रक्शन में आएगा वो आपने बता रहे हैं, और लीस्ट काउंट आपके 3 पॉइंट बहुत अहम है। उसके अलावा साथ आपके साथ ये भी मेंशन होगा इसके जो एरर है, तो आप ये जो आपको ये पढ़ाया गया आप यही लिख दें, आपका लॉन्ग सवाल कवर हो जाएगा। बाद में अगर ये शार्ट में आए तो आपके पास एरर आ सकते हैं, व्हाट इज द पॉजिटिव एंड नेगेटिव जीरो एरर ऑफ सिक्यू गेज, या फिर ये आ सकता है व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ सिक्यू गेज। तो मेरे बच्चे ये आपके कुछ चंद शार्ट सवाल भी अगर बनाए जाए तो ये कुछ यूँ बनेंगे, और लॉन्ग सवाल भी ये कम्प्लीट आ सकता है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको बहुत बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अपना इस चैनल का भी ख्याल रखें और अपना भी ख्याल रखें, चैनल का ख्याल आप कैसे रख सकते हैं, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।